हेलो फ्रेंड, श्वेता हेयर। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मसल्स। मसल्स इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑफ अ बॉडी विच प्रोवाइड पुलिंग पावर। जो मसल्स होती है वो हमारा क्या है, टिश्यूज का ग्रुप है और वो हमारी बॉडी को पुलिंग पावर देते हैं। मीन्स हम जब भी कोई चीज़ पुल करते हैं या रखते हैं या चलते हैं, वो सब मसल्स ही हमें पावर देते हैं मूव करने की। दे आर इलास्टिक इन नेचर। और ये नेचर में कैसी होती है, इलास्टिक होती है। मीन्स ईजीली हम इनको बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। जो मसल्स होती हैं ये हमारी बोन से अटैच होती हैं एक टिश्यूज के थ्रू, उसका नाम को हम कहते हैं टेंडन। अब देखते हैं हमारी बॉडी में जो टोटल मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में अराउंड 650 मसल्स होती हैं और हमारे टोटल बॉडी वेट की 40% होती है। और दे आर वर्क इन टू सेट्स। और जो भी हमारी मसल्स होती हैं वो दो सेट्स में वर्क करती हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो भी बॉडी लिफ्टिंग करते हैं वो अपनी बाइसेप्स जो मसल्स होती है, ये वाली मसल्स, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो उनमें दो मूवमेंट आते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक हमारा रिलैक्सेशन। हम इसके थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ कीजिए हमारी आर्म है, ये आप ले लीजिए मेरी आर्म है, मैंने इसको बैंड किया। जब मैं इसको बैंड करूँगी तो हमारे जो ये हमारी फ्रंट की मसल्स है ये हमारी बाइसेप है, और जो हमारी बैक की मसल्स है ये हमारी ट्राइसेप मसल्स है। तो इस समय जो हमारी ट्राइसेप है ये तो रिलैक्स हो जाएगी और जो हमारी बाइसेप है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कॉन्ट्रैक्ट करके लोग दिखाते हैं मसल्स। तो इस समय जब हम आर्म को बैंड करेंगे, जब हम ये हमारा सेट ऑफ मसल्स वर्क करेंगे, दो मसल्स हैं जो हमारे एक साथ मिल के वर्क करेंगे। जब हम उसी आर्म को स्ट्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो बाइसेप पहले हमारी रिलैक्स पोजीशन में हमारी ट्राइसेप थी वो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जो बाइसेप हमारी कॉन्ट्रैक्ट थी वो यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगी, जैसे कि जब आप अपना हैंड स्ट्रेट करेंगे। आइए समझते हैं मसल्स के टाइप्स कितने हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर वन हमारी होती है वॉलेंट्री मसल्स, इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इसको स्केलेटल मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मसल्स हमारे जो पूरा स्केलेटन है उससे अटैच होती है। ये हमारी सारी लिम्स मीन्स हैंड और लेग, फेस, नेक, मोस्टली पार्ट में जो भी हमारे स्केलेटन से अटैच है उस पर यही पाई जाती है। अब इसको वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में होती है। मीन्स हम जब चाहे अपने लेग्स को बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, हैंड के मूवमेंट, फिंगर्स के मूवमेंट, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, वॉलेंट्री मसल्स में। सेकंड हमारी आती है इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसा कि नाम इसका इंडिकेट करता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गेंस को कवर करती हैं, एज लाइक हमारा स्टमक है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है एंड सो ऑन। अब क्योंकि इंटरनल ऑर्गेन्स है तो उनकी मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मींस आप अपनी मर्जी से पेट का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इंटेस्टाइन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनको हमने नॉन कंट्रोल या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आती है, नॉन स्ट्रेटेड और एक स्ट्रेटेड वर्ड। जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें हमारे लाइट एंड डार्क कलर के कुछ सेगमेंट आते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं इसलिए। लेकिन जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उसमें डार्क और लाइट सेगमेंट्स नहीं होते, उनका कुछ शेप इस तरीके का होता है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड टाइप की मसल्स, ये हमारी है कार्डिक मसल्स। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, कार्डिक मीन्स हार्ट मसल्स, मीन्स वो मसल्स जो हमारे हार्ट पे पाई जाती है उनको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मीन्स इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नाइदर स्ट्रेटेड नॉर नॉन स्ट्रेटेड, मीन्स ना तो इनका स्ट्रक्चर वॉलेंट्री मसल्स जैसा होता है ना ही इनवॉलेंट्री मसल्स जैसा है। इनका स्ट्रक्चर कुछ बंडल लाइक शेप्स होता है जिसमें बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।